दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फेसबुक के स्टोरी पर किए गए लाइक को अनलाइक कैसे कर सकते हो, कैसे फेसबुक स्टोरी से अपने रिएक्शन को रिमूव कर सकते हो। जैसा कि दोस्तों आप अपने फ्रेंड के स्टोरी को जब देखते हैं तो यहाँ पर आपको अपना रिएक्शन क्लिक कर देते हैं, जैसा कि मैं कर रहा हूँ, इस तरीके से आप भी क्लिक करते होंगे। तो दोस्तों अगर आपको इसे रिमूव करना रहे, यानी कि वापस आपको लेना रहे, तो आप इसे कैसे रिमूव करोगे? तो चलिए दोस्तों हम आज की इस वीडियो में बताएंगे कि आप कैसे इसे रिमूव कर सकते हो। तो दोस्तों जैसा कि मैं आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमने 3 दिल और 2 लाइक का थम्सअप दिए हैं रिएक्शन, तो इस पर इसको हमें रिमूव करना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ऊपर के साइड में 3 डॉट दिख रहा होगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा अंडू सेंट रिएक्शंस का, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने इस वीडियो पर जितना रिएक्शन दिए होंगे वो आपको यहाँ पर दिखने लगेंगे। तो आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अंडू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका रिएक्शन रिमूव हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने रिएक्शन को रिमूव कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब मान लीजिए अगर आप सुबह का ही किसी का स्टोरी देखे और लाइक कर दिए, तो अगर यहाँ पर आपको उसका स्टोरी दिखाई नहीं दे रहा है तो आप उसका रिएक्शन कैसे रिमूव करोगे? तो इसके लिए दोस्तों आपको सिंपली बैक हो जाना है। बैक होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 3 लाइन ऊपर के साइड में देखने को मिल रही होगी, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे जाना है और नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग एंड प्राइवेसी का, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सिर्फ सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा देर वेट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर दोस्तों स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे चले जाना है और यहाँ पर आपको एक देखने को मिल जाएगा ऑप्शन योर इन्फॉर्मेशन, इसी के जस्ट नीचे आपको एक्टिविटी लॉन्ग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, एक्टिविटी लॉन्ग का, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि पब्लिक पोस्ट लिखा हुआ है नीले कलर का, उसके बगल में पब्लिक टैग्स लिखा हुआ है, उसके बगल में स्टोरी एक्टिविटी लिखा है, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ा वेट करेंगे, नेट की प्रॉब्लम ज़्यादा। अब यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि जिसको आपने रिएक्शन अपना किए हैं वो यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर अंकित को मैंने रिएक्शन दिल वाला दिया है, तो यहाँ पर आपको अपने रिएक्शन को कैसे इनके स्टोरी से रिमूव कर सकते हैं, तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर 3 डॉट दिख रहा होगा साइड में, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर रिमूव रिएक्शन लिखा हुआ है, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप जितनी बार अपना रिएक्शन जो रिएक्शन दिए होंगे उसको उतनी बार आपको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना रहेगा और रिमूव रिएक्शन पर आपको क्लिक करना रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने रिएक्शन को वापस यानी कि रिमूव कर सकते हो। तो दोस्तों ये रही जानकारी, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि वे भी इस तरीके का लाभ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।